ये 12-25 साल पहले या 26 साल पहले की बात है। मेरी पत्नी विजी एक दिन अचानक मेरे सामने आई। दरअसल ये वहां हुआ जहां एक कार्यक्रम हो रहा था, किसी दूसरे का कार्यक्रम। मैं वहां गया और उन्होंने मुझसे भोजन करने के लिए कहा और मैं जाकर बैठ गया। मैं वहां देर से पहुंचा, वे सब खा रहे थे, आधा खा चुके थे। मैं जाकर उस कतार में फर्श पर बैठ गया जिसमें वे बैठे हुए थे। मैं एक कतार में बैठा था, मेरे सामने वाली कतार मेरी तरफ मुंह करके बैठी थी। वहां एक और कतार थी जिसकी पीठ मेरी ओर थी और उसके बाद एक कतार का मुंह मेरी ओर था, वो उस कतार में थी। इन दो कतारों के पार से वो मुझे देखती जा रही थी। मैंने उसकी तरफ बस 2 मिनट देखा और फिर मैं अपना सांबर और चावल खाने लगा। सांबर अच्छी थी। तब हर कोई मुझसे पहले अपना खाना पूरा करने लगा क्योंकि मैं देर से आया था और देर तक खा रहा था। फिर उसने अपना भोजन खत्म किया, उसने हाथ धोए, वह आई और मेरे सामने बैठ गई और उसकी रुलाई फूट पड़ी। तो मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, मैं खाता रहा और मैं उठा, मैंने जाकर हाथ धोए और वो मेरे पीछे पीछे आई और वो तब भी लगातार रोती जा रही थी। फिर वो मुझसे बात करना चाहती थी। मैंने अपना घर का नंबर लिख कर दिया और मैंने कहा अगर मैं उठाऊं तब ही बोलना, मेरे पिताजी उठाएं तो मत बोलना। एक दिन हम बातें कर रहे थे, मेरा मतलब आमतौर पर शाम को जब मेरे पति फार्मेसी जाते थे तब हम सीढ़ियों पर बैठकर तमामों बातें करते थे। उस दिन उन्होंने मुझे बताया कि वह एक लड़की से मिले, उसका नाम विजी है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे कहा वो कहाँ है, वो कहाँ से है, वो कैसी दिखती है। उन्होंने कहा नहीं, मैं उसे लाकर आपसे परिचय करवाऊंगा और मैं अपने माता पिता को भी बताना चाहता हूँ, ये मैं आपको सूचित कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा हम बहुत खुश होंगे क्योंकि हमारे पास कंपनी होगी, एक दोस्त से ज्यादा वह मेरी बहन होगी। तो मैं उससे मिलने के लिए बहुत उत्साहित और उत्सुक थी। तो मेरे ख्याल से कुछ समय बाद वे उसे उस दुकान पर लेकर आए जहां कालिदास रोड पर हमारा एक मेडिकल स्टोर है। तो सबसे पहले जब मैंने उसे देखा तो उसकी सादगी और उसकी मुस्कान ने मुझे आकर्षित किया। और काफ़ी बाद में मुझे ये भी नहीं पता था कि उस दिन कोई त्यौहार था और मैं और विजी हम मोटरसाइकिल से इरुपु गए जहाँ एक झरना और एक छोटा रामेश्वर मंदिर है। और जब मैं शाम को वहाँ गया तो मैंने एक बहुत अनोखा इंतज़ाम देखा जो आप कभी देख सकते हैं। सारी हरी पत्तों से सजी छोटी छोटी दुकानें और छोटी छोटी चीज़ें। सुपारी के पेड़ के पत्तों और नारियल के पत्तों से बनी वो सारी छोटी छोटी दुकानें सिर्फ उस शाम के लिए बनाई गई थी, तो ये बात बहुत ही आकर्षक थी। फिर मैंने पूछा ये सब क्या है, तब वे बोले आज महाशिवरात्रि है। ओ, मुझे पता भी नहीं था क्योंकि हमारे घरों में किसी कारण से महाशिवरात्रि कभी मनाई नहीं जाती थी। तब मैंने पूछा ये त्यौहार किस बारे में है, वो बोले ये इसी दिन शिव का विवाह हुआ था। तब मैंने विजी से कहा ठीक है हम आज ही शादी करेंगे, वो बोली क्या। मैंने कहा हाँ हम आज शादी करेंगे यहीं पर। उसने कहा नहीं हमने किसी को बताया नहीं है। मैंने कहा किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ और हमने बस वहीं पर शादी कर ली। वे हमेशा एक प्यारा जोड़ा थे, अगर मैं उस शब्द का इस्तेमाल करूं तो। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, मुस्कुराते, बातें करते, वे उस तरह के थे। उनकी जोड़ी बहुत खुश थी। उस समय वे काफी हद तक इसी तरह रहते थे, मेरा मतलब सद्गुरु अपने फार्म में कुछ समय बिताते थे। वो अपने फार्म में आधा महीना बिताते थे और बाकी आधा महीना वे योग सिखाते थे, हैदराबाद या मैंगलोर या कोयम्बटूर या तिरुपुर, इनमें से किसी एक शहर में। तो विजी हर वीकेंड पर
दीक्षा के समय मैसूर से आती थी। हंदी होंडा नाम की एक जगह है। हंदी होंडा का मतलब है सुअरों की जगह। पश्चिमी तट पर हंदी होंडा नाम की एक जगह है, तो हंदी होंडा समुद्र तट मेरी पसंदीदा बीच थी। और मुझे विश्वास ही नहीं हुआ जब मेरी शादी के काफी बाद जब मैं विजी को समुद्र तट पर ले गया, तब वो करीब 22 साल की थी और उसने अपने जीवन में कभी समुद्र नहीं देखा था। वो जीवन भर बैंगलोर में रही थी, उसने कभी समुद्र नहीं देखा था। और हम बस समुद्र तट पर जाकर डेरा डाल देते थे। ये पश्चिमी तट अंधेरे में काफी चमकता है, कुछ इलाकों में चमक बहुत ज्यादा होती है। वो एक चांदनी रात थी और जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, लहरें बड़ी हो जाती हैं और चमकती हैं जैसे फॉस्फोरस की लहरें आपकी ओर आ रही हों। उसने बस ये देखा और उसे ये बहुत अच्छा लगा। फिर हम लगभग रात भर बैठे इसी बीच को देखते रहते और उसके बाद से वो समुद्र के पीछे दीवानी हो गई। वो हर समय समुद्र तट पर जाना चाहती थी। तुम कहाँ जाना चाहती हो? वो समुद्र के पास जाना चाहती थी। She got addicted that night. उस रात उसे समुद्र की लत लग गई। जो भी सदगुरु या विजी को जानते थे, वे उन्हें हमेशा जग्गी और विजी के रूप में जानते थे। हर काम एक साथ करते थे और चूंकि सदगुरु के आसपास लोग लगातार होते थे, तो उनके लिए प्राइवेसी जैसी कोई चीज नहीं थी, तो हर तरह की बातें होती थी। जब आप वहां होंगे तो वहां हर तरह की बातें होंगी, और ये लगभग ऐसा था कि आप वहां मौजूद नहीं हैं और हर चीज जैसे होने की जरूरत है उसे होना था। और लगातार वहां तमामों चीजें ध्यान में आएंगी, जो जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि यह आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जैसा आमतौर पर एक आध्यात्मिक प्रक्रिया में होता है। विजी क्या है, ये आसपास के लोगों को समझाना मेरे लिए हमेशा मुश्किल रहा है। जब मैं विजी कहता हूं तो मैं उसकी बात अपनी पत्नी या एक औरत के रूप में नहीं कर रहा होता हूं, एक प्राणी के रूप में भी वो हमेशा मेरे अनुभव में सचमुच शानदार रही है। लेकिन जैसा कि आप में से कई लोग जानते हैं, वो बहुत तीव्र भावनाओं वाली इंसान थी। बच्चों जैसे स्वभाव के कारण उसे ये कभी पता ही नहीं होता था कि लोगों के बीच क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। उसके अंदर जो भी भावनाएं थीं, वो हमेशा जाहिर हो जाती थीं, आसपास की स्थिति चाहे जैसी भी हो। अब उसने ये महासमाधि प्राप्त की है, जो सभी आध्यात्मिक साधकों का अंतिम लक्ष्य होता है। इसे उसने बड़ी आसानी से किया और अपनी योग्यता साबित की है। शरीर को चोट पहुंचाए बिना इस जीवन को इस शरीर से बाहर निकालने के लिए कुछ और की जरूरत होती है। इसके लिए व्यक्ति को जबरदस्त ऊर्जा पैदा करनी होती है, जिसके लिए प्रचंड साधना चाहिए। वो इसे पाने के तरीके जानती थी और वो इस दिशा में काम कर रही थी, लेकिन उस मुकाम पर हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरी सहायता के बिना वो जरूरी ऊर्जा पैदा कर पाएगी। वो वैसे भी इसी रास्ते पर चलती, पर जिस तेजी से उसने ये मुकाम हासिल किया है वो जबरदस्त है। उसने इसे अपने प्रेम से संभव बनाया। शायद यही वो अकेली चीज थी जो वो जानती थी। जीवन भर उसे ये गर्व था कि मैं उसका पति हूं। आज मुझे कहना होगा कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं उसका पति हूं, और सबसे बढ़कर यही वो पूरी तीव्रता है जिसे आप अपने आसपास के हर शिष्य में खोजते हैं। एक गुरु के रूप में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि
तीव्रता का यही वो स्तर है जिसे आप हमेशा खोजते हैं, यही विजय है।